बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग मिटाने का लिया संकल्प। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करने व देख रेख करने से नहीं फैलता रोग, डॉक्टर रामकृष्ण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी मंगलवार को अनुमंडलीय अस्पताल तेगरा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण की अध्यक्षता में कुष्ठ रोग निवारण दिवस का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिए गए कुष्ठ रोगियों से भेदभाव नहीं करने की शपथ ली। संकल्प दिलाने से पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण ने एक संदेश देते हुए कहा कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति स्नेह व सेवा भाव रखते थे, इसलिए आज के दिन कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बापू ने कुष्ठ रोगियों की सेवा कर यह साबित किया कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा व देख रेख करने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता। कुष्ठ की बीमारी कीटाणुओं से होती है जिसका पूर्ण इलाज संभव है। कुष्ठ की पाचन बहुत ही आसान है। चमड़े पर किसी प्रकार का दाग या दबा जिसमें दर्द तथा खुजली नहीं होती है तो वह कुष्ठ का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। उन्होंने बताया कि समय से इलाज करने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। प्रखंड को कुष्ठ मुक्त कराना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। अगर किसी क्षेत्र में कुष्ठ रोगी देखी जाती है तो उन्हें तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाए ताकि उक्त रोगी का इलाज आरंभ हो सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुष्ठ मुक्त भारत का सपना देखा था, इसके सपने को साकार करने के लिए सभी लोगों को प्रयत्नशील रहना होगा। मौके पर पिरामिल फाउंडेशन के दीपक कुमार, लेप्रोसी के डॉक्टर राजीव संडवार, डॉक्टर संजय चौधरी, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर आमिर अली जफर साहिद, स्थापना के मोहम्मद शहनशाह, बीसीएम शारदा कुमारी, फार्मासिस्ट अनुराग कुमार, राजकुमार एएनएम आरती कुमार एवं अनुसुईया कुमारी के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। दूसरा है, महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति स्नेह एवं सेवा भाव रखते थे, इसलिए आज का दिन कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बापू ने कुष्ठ रोगियों के प्रति सेवा कर यह साबित किया है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा देख रेख करने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना। कुष्ठ की बीमारी कीटाणु से होता है जिसका पूर्ण इलाज संभव है। कुष्ठ की पहचान बहुत आसान है। चमड़े पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा जिसमें दर्द तथा खुजली नहीं होता हो एवं जन्म से नहीं तो वह कुष्ठ का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। समय से इलाज कराने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। MDT का पूरा खुराक नियमानुसार सेवन करने से कोई भी कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति आम इंसान जैसा हो जाता है और समाज में हम सबके बीच रह सकता है। उपचार नहीं कराने से